निकलते हैं, बाकी तुम ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना, ओके अल्लाह हाफिज। और ये पूरे दिन के लिए आए थे, अभी सुबह आए और अभी शाम में सारे भुने हुए प्याज को जला दिया और अभी इधर कचरे के साथ रखा जा रहा है। ए, वो तो जाए करती है। ये तो कभी कभी देखो तो काला काला रहता है बिल्कुल, तो क्या करें, इतने में ही अजीब लगता है। यहाँ पे लोग पेपर में देते हैं, यहाँ के जलेबी वैसे होते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम बैक वसीम रहमान ऑफिशियल में आप सभी का इस्तकबाल है, वेलकम है, स्वागत है। तो ब्लॉग कंटिन्यू करते हैं यहाँ से और आप लोगों से एक बात कहनी है कि प्लीज़ सपोर्ट करिए, जैसे आप हमेशा से करते आ रहे हैं, जितने भी हमारे ब्लॉग जा रहे हैं आप उनको देखिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, थैंक यू वेरी मच। तो ठीक है, अभी मैं उमैजा बाबू को बाहर ले जा रहा हूँ घुमाने के लिए, वापस आता हूँ फिर मुलाकात होगी आपको। हम लोग जैसे बाहर आए भी नहीं कि शबाना का फोन आ गया कि प्लीज आते टाइम जलेबी और समोसे लेकर आइएगा। और बहुत दिनों के बाद उनका दिल हुआ है कि जलेबी और समोसे खाने का, तो लाजमी सी बात है और जाहिर सी बात है कि मैं जाऊंगा तो लेकर ही जाऊंगा। चलो थोड़ा सा वॉक करो बेटा, सिर्फ गोदी है ना, आइए थोड़ा सा वॉक करो, कम 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 कम, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। आपको अच्छा लगा बैलून? क्या लाए हैं जी? वही जी जो आपने बोला था, समोसे और जलेबी। जी यहाँ की जलेबी समोसे तो अच्छे दिख रहे हैं। खुशी खुशी देखो, यहाँ के जलेबी वैसे होते हैं? नहीं नहीं, अभी वो वही है जो तुम्हें चाहिए था। अच्छा, यहाँ पे लोग पेपर में देते हैं? डिपेंड करता है, कभी पेपर में कभी वो बटर पेपर में। तो शबाना मतलब बुखार वगैरह फीवर वगैरह ठीक होने के बाद से जलेबी और समोसे। कोई मुझे भी खिला दो। अच्छा हाँ, वो तो अच्छा ही है, जाहिर सी बात है, मैं गया जाकर लेकर आया। तो जैसे ही घर से निकला था तुरंत मुझे फ़ोन आया कि अरे यार वो जलेबी और समोसे लेते आना, क्योंकि एक बार मैं लाया था बहुत टाइम पहले, तो इनको आज फिर से याद आया कि वो अच्छा नहीं था, वो बहुत खट्टा खट्टा था। और आजकल हम लोग को बहुत सारी चीज़ें बहुत खट्टे मिल जा रही खाने के लिए, कभी डोसे कभी जलेबी, और वो जलेबी वो वाली खट्टी थी जो ऑरेंज कलर की यहाँ पर मिलती है। मैं उनको एक बात बता दूँ कि जो हालांकि जो मुंबई में सभी को पता है कि यहाँ पे शाम में ही जलेबी मिलती है, सुबह नहीं मिलता है यहाँ पे। अच्छा जी, हम लोग क्या सुबह सुबह मिलता है नाश्ते में। हाँ, और लेकिन ठीक है, अब तो हम यहाँ के हो गए हैं। और यहाँ पे मुंबई में हमारे यहाँ मुंबई में शाम में मिलता है, ठीक है, हमारे यहाँ जी, हमारे यहाँ मुंबई में शाम में जलेबी का मिलता है, दूसरों का नहीं पता हमको। चलो ठीक है, अभी खा लो, ठंडा हो जाए। भी समोसा भी अच्छा है, समोसा भी अच्छा है और टेस्टी लग रहा है, मतलब है ना। हाँ। और गर्म भी है, इसके आलू देखो फीलिंग इससे बहुत अच्छे हैं, मतलब कलर में है येलो येलो, नहीं तो कभी कभी देखो तो काला काला रहता है आलू एकदम, तो क्या देखने में ही अजीब लगता है। तो क्या येलो वाला जो होता है ना, येलो कलर का आलू, वो ताज़ा होता है। तो क्या किया जाए, समोसे का दुकान खोलूं? हमको तो आप बोलेंगे, हम तो कोई चीज़ का भी खोल लेंगे। ओके बस बस बस। तो चले आ गया हूँ मैं सुपर स्टोर, मुझे कुछ सामान लेना है, तो चलते हैं। और आज अकेले आए हूँ, ना शबाना है और ना मैजा बाबू हैं, तो मैं नो नो थैंक यू सर, थैंक यू।
तो खैर घर निकलते, जो सामान लेना था हमने ले लिया है। और मैजा बाबू को इसलिए भी नहीं लाया कि जब वो बाहर आती तो उनको आइसक्रीम खाना होता है, और अभी वो पड़ गई थी बीमार। हालांकि गर्मी ऐसी है कि हम सबका भी दिल कर रहा है आइसक्रीम खाने का, कोल्ड ड्रिंक्स पीने का, लेकिन हम वो नहीं ले रहे, जानबूझ कर नहीं ले रहे, क्योंकि वो मैजा भी बीमार हो गई थी, शबाना भी बीमार हो गई थी, मैं खुद हो गया था। तो ठीक है, हाई फाई करो सबसे। हाई फाई कर, ये हो जाएगा, ये देख हाई है। चल ए, वो तो जा हाई करती है। हाई निकाली पली पली, किधर से क्या होता है, कुछ मत कर। हाई फाई चलो जल्दी ले, ये हो जाएगा। उसे ऐसे रख एकदम, चलो किसको मुकाबला करना है। गाइस मैं सुबह 5 बजे से जगा हूँ, मुझे नींद बहुत तेज आ रही है क्योंकि मैं अपने भाई को पिक करने के लिए गया था, और बस नींद ही बहुत तेज से आ रही है। और मेरा भाई सो रहा है अभी, तो मैं आपको ज़रूर मिलाऊंगा, हालांकि थोड़ा सा शर्मा रहा है और अभी सो रहा है क्योंकि ये उसकी ट्रैवलिंग रात भर की हुई, तभी सो रहा है। और शबाना किचन में लगी हुई है क्योंकि देवर ज्ञान की खुशी में वो फटाफट बिरयानी खा रही है। यहाँ चिकन राइस मसाले वसाले पता नहीं क्या क्या है, सभी तो तैयारी चल रहा है। तो बना लेते हैं फटाफट बिरयानी। इनको आँख पूरे लाल बने हैं इनके, जाइए आप सोइए, जब बन जाएगा तो हम उठा देंगे, क्योंकि अभी तो शुरुआत कर रहे हैं, अभी थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तुम साफ कर लो बिरयानी बना, तब तो मैं सो लेता हूँ। ठीक है, और तो अभी शुरू करेंगे तो 2 घंटा तो लगेगा ही। सोचे थे कि कुछ और बना ले, पुलाव वगैरह, लेकिन सोच रहे बिरयानी ही बना दे, चिकन क्या बोलते हैं उसको, पुलाव नहीं मतलब बिरयानी, तह वाली, ये उसको तह वाली बोलते हैं, जो चिकन बिरयानी मेन बनता है वो उसको तह वाली बोलते हैं, तो इसीलिए हम लोग मतलब तह वाली बोलने यूज टू हो गए तह वाली बोलने में। हाँ, क्योंकि उसमें लेयर बाय लेयर, ये पुलाव को भी बिरयानी ही बोलते हैं, मिक्स वाली। तो आज उमैजा भी बहुत देर से सो के जगी है, मेरी बेटी वो रात में भी देर से सोया इसने और सुबह देर से जगी है, तो अब मैं सोने जा रहा हूँ और फिर मिलते हैं लंच पे। मछली जल की रानी है, जीवन उसका व्हाट, तो कौन सा पोएम, एक मोटा हाथी तो कौन शमशम, यार मुझे शमशम वाला कौन सा गाना है आज तक समझ में नहीं आया, लेकिन जब भी मैं कुछ गाता हूँ तो मैजा बाबू बोलती है पापा शमशम, तो शमशम कौन सा बेटा, कौन सा शमशम, शम 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 शि शिशु शम शि, अरे मुझे क्या हुआ, मुझे बचाओ, मुझे क्या हुआ, मुझे बचाओ, आई लव यू, आई लव यू टू। चाचू से मिला था बेटा आपने, चाचू से मिला था। तो मसला ये है कि जब भी इनके चाचू आते हैं या कोई भी आता है तो ये बिल्कुल एक रूम में पैक हो जाती हैं और बिल्कुल किसी से कोई मुलाकात नहीं है, कोई बातचीत नहीं है। अरे चोट लग रही है पापा को, तो इनको अकेला रहना पसंद होता है, फिर ये हॉल में आना बंद कर देती हैं। तो जैसे अभी आ, 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 मैं भी बोल रहा हूँ बेटा चाचू से मुलाकात हुई है, चाचू चलो चाचू को सलाम कर दो, चलो तो आज थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से बना रहे हैं, इसी वजह से मसाला हमने खड़ा हमने गलती से, इसमें थोड़ा सा खसखस भी पीसे हैं, पोस्ता दाना भी, प्याज और हरी मिर्च अलग से पीसते ही हैं। तो पहले तल लेते हैं बाबू के लिए थोड़ा सा मखाना,
उसके बाद उसमें चिकन डाल देंगे। डाल देते हैं डायरेक्ट चिकन, खड़े मसाले नहीं डालेंगे क्योंकि चावल में तो ऑलरेडी खड़े मसाले भी पानी में डालेंगे। अभी ये प्याज मिर्ची का पेस्ट, दो चार मिनट इसको भूनेंगे। इसी स्टेज पे ना इससे मुगलई चिकन भी बन जाता है, तो वो ऐसे ही बनता है वाइट वाइट। ये मेरा स्पेशल पिसा हुआ मसाला। सिर्फ इसमें मिर्चा पाउडर, नमक और थोड़ा सा भुनने के बाद दही डालेंगे। टेस्ट के हिसाब से नमक डाल लेते हैं। तो सब इसको अच्छे से भुनेंगे। जब ऊपर से कोई मसाला डालने की ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि जो हमको पीसना था हम उसमें पीस ही लिए थे। इसमें खड़े मसाले डाल देते हैं। शायद जीरा इनको बहुत ज़्यादा नहीं पसंद है, इसकी इनके मुंह में आता है कहीं प्रॉब्लम होने लगती है कि थोड़ा ही है। दो चम्मच तेल, नमक अपने टेस्ट के हिसाब से, फिर भी हम दो चम्मच डाल रहे हैं। डाल देते हैं दही। क्या हुआ, हो गया है? हो ही गया है, चिकन बस हो ही गया है और भुनाएगा थोड़ा थोड़ा, मतलब आधे घंटे और जाएगा। चावल हो गया है। ये वाली बिरयानी माशाल्लाह मुझे बहुत पसंद है यार। यह था सोने के लिए कि मैं अभी कुछ देर सोऊंगा, लेकिन मेरी बेटी ने मेरे बगल में बैठकर पापा 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 पापा, मतलब इतना इतना कब से पापा पापा, और अभी भी यहाँ पे। हाँ 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 हाँ, आज अभी इसने मुझे सोने नहीं दिया, सोने नहीं दिया मुझे, है ना? क्यों नहीं सोने दिया? आखिर में मुझे जगना पड़ा। चाचू के पास क्यों नहीं जा रही हो तुम? चाचू को चाचू नहीं जाना, क्यों नहीं जाना है बेटा? चाचू के पास क्यों नहीं जा रही हो तुम? चाचू नहीं जाना। क्यों बेटा, क्यों नहीं जाना? क्यों नहीं जाना बताओ? नहीं जाना है बेटा, नहीं जाना। क्यों नहीं जाना है? इसी रूम में हमको पकाते हैं। नहीं जाना है, बिल्कुल पैक हो गई है उमैजा बाबू। टैलेंट की मिसाल, उन्होंने अपने सारे भुने हुए प्याज को जला दिया और अभी इधर कचरे के साथ रखा जा रहा है। तो गलती मेरी ही नहीं है, रूम में जाते हैं तो कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ बात होने लगता है। उलझाता कौन है बात में? बिरयानी से हट गया कि प्याज चढ़ाए हुए हैं। चलो अभी क्या करना है, अभी दूसरा बना लो, बन जाए। देखिए दूसरा कर दी, दिखा दें ये ना हो कि जल गया तो हमने किया ही नहीं। इसका यही है ही है, खड़े रहो यहीं पे ना तो लाली नहीं होता है, और जरी सी हटो कि तुरंत काला हो जाता है। इसका और दूध का मसला एक ही है, परफेक्ट बिरिस्ता। क्या आपको मालूम है इसको यहाँ पे बिरिस्ता बोलते हैं? हमारे यहाँ गुलिस्ता बोलते हैं लोग इसको। तो ये हो गया है बिरयानी रेडी, अब इसको लगा देते हैं तम पर। यहाँ तवा हीट हो रहा है, सॉरी जलाई मेरी की हुई और बोल रहा है तवा हीट हो रहा है, अब हीट होगा मस्त। अब ये नया जुगाड़ है क्योंकि हमेशा फॉल पेपर से कवर करते हैं, लेकिन अभी क्या है कि फॉल पेपर ख़त्म हो गए हैं तो ये जुगाड़ लगा दिया। ये धुला हुआ साफ़ी था बिल्कुल।
यहाँ से ना भाई माशाल्लाह। बिरयानी तैयार हो गई और हम लोग बिरयानी खाते हैं। ये वाव जायकेदार बिरयानी, लेकिन मैं उससे पहले वाव वाव नहीं करूँगा, पहले मैं खा कर देखूँगा कैसा है, उसके बाद ही मैं बताऊँगा कैसा है। लेकिन उम्मीद है कि अच्छा ही होगा इंशाल्लाह, हमेशा की तरह इंशाल्लाह नहीं माशाल्लाह माशाल्लाह हमेशा की तरह ये अच्छा ही होगा। तो खाते। अरे कैसा है? अरे वाह लाजवाब। अरे बाप। तो गाइस बस चलते हैं, मेरे छोटे भाई आए थे, मैं अभी उनको छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। और दिन भर के लिए आए थे क्योंकि ये लोग बिजी लोग रहते हैं, हम लोग तो खैर तो इनकी तैयारी हो गई है और ये जाने के लिए तैयार है। चले फिर चलते हैं फिर। और ये जाएंगे तो मेरे लिए बहुत सारा आम भेजेंगे तो एक ट्रक आम, ताकि वो मुझे लंगड़ा आम यहाँ मिल नहीं रहा है खाने के लिए। तो प्लीज़ मेरे लिए आम। खैर और ये पूरे दिन के लिए आए थे, अभी सुबह आए और अभी शाम की इनकी ट्रेन है, शाम की मतलब रात की ट्रेन है, करीब 11 बजे की ट्रेन है। तो मैं इनको स्टेशन छोड़ कर आता हूँ, फिर उसके बाद आप लोगों से मुलाकात होगी। ओके बाय बाय। यस मम्मी। मुझे क्या, आप भी चलोगी क्या दादू के यहाँ? दादू के घर जाओगे बेटा? जाओ चाचू के साथ जाओ। मम्मी क्रॉक्स दो। अरे क्रॉक्स मार रही, क्रॉक्स मम्मा, क्रॉक्स दो मुझे, क्रॉक्स दो। ओए बेटा क्या? चलो अपना ख्याल रखना शोभाना, तुम बहुत ज्यादा, मैं हम दोनों जा रहे हैं। ठीक है बेटा। बैग यहीं छोड़ के जाएंगे क्या? नहीं बैग लेकर जाएंगे, और यहाँ पे भी है एक बैग उधर है, तो मैं छोड़ कर आ रहा हूँ। कहाँ से ट्रेन है? दादर। ट्रेन है दादर से। दादर तो हाँ, तो थोड़ा टाइम लगेगा पहुँचने के लिए, तो अपन निकलते हैं। बाकी तुम ख्याल रखना, दुआओं में याद रखना। ओके अल्लाह हाफिज। वन मोर किशी प्लीज। भाई जान ली। ओके बाय बेटा। अल्लाह कौन दिया?